अस्सलामुअलैकुम, मैं स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो है वो हम पढ़ चुके थे अबाउट इनपुट डिवाइसेस। ठीक, आज हम मूव करेंगे टुवर्ड्स आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। अब आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं पढ़ते हैं। यूनिट नंबर 3 हमारा कंटिन्यू है, पेज नंबर 46 स्टार्ट करेंगे आउटपुट डिवाइसेस से। ठीक है, द आउटपुट डिवाइसेस आर ऑल्सो फिजिकल इक्विपमेंट्स। आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो आपके पास फिजिकल इक्विपमेंट्स होते हैं विच ट्रांसलेट, जो कि ट्रांसलेट कर रहे होते हैं आपके पास द आउटकम ऑफ द कंप्यूटेशंस एंड द रिलेटेड एक्टिविटीज़ कैरिड आउट इन द CPU। जो भी आप फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, वो आपके रैम रोम में सही कैशेज में वो मेमोरी सेव होती हैं। अब आपको क्या चाहिए, उनका आउटपुट चाहिए, विच मीन्स अब देखें जो भी आप फंक्शनैलिटी जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, ठीक, जो भी आपने कंप्यूटेशन की जो वर्कआउट किया होता है, देन अब क्या होता है, अब उसके आउटपुट लेने का वक्त है। ठीक है, तो CPU ही क्या करते हैं, आपको आउटपुट दे रहा होता है। ठीक, अब कैसे देगा देखिएगा, सो दैट दीज कैन बी अंडरस्टूड बाय द ह्यूमन। असल में होता क्या है, जो आपको आउटपुट वो दे रहा होता है वो आप ह्यूमन जो होते हैं विच मीन्स हम लोग उसको ईजिली समझ सकते हैं। द पर्पज ऑफ द आउटपुट डिवाइसेज, जो पर्पज होता है, जो काम होता है आउटपुट डिवाइसेज का, इज टू कन्वर्ट द डेटा, कि आप अपने डेटा को कन्वर्ट करें एंड द इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस इन इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सिस, और जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सिस के अंदर जो है वो कन्वर्ट होती है देन टू द ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म्स, और फिर उसके बाद उस मतलब आप समझ लें उस तरीके में वो आपके सामने शो की जाती है कि जिसको आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक, सच एज प्रिंटेड रिपोर्ट, जैसे कि आपके पास प्रिंट होने के बाद कोई रिपोर्ट मौजूद है तो ये आपके पास क्या है, क्या आउटपुट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ठीक, अब ज़रा देखिएगा, सबसे पहले जो आपके पास आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास है वो है मॉनिटर्स। अब मॉनिटर्स किस तरीके से जो है वो आपके पास वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो देखिए ज़रा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्प्ले स्क्रीन। हम मॉनिटर्स को डिस्प्ले स्क्रीन भी कहते हैं। द मॉनिटर हाउ एवर यूजुअली रेफर टू द एंटायर बॉक्स, विच मीन्स मॉनिटर जो है आमतौर पर एक बॉक्स टाइप, विच मीन्स एक बॉक्स होता है। ठीक, वेयर एज डिस्प्ले स्क्रीन कैन मीन जस्ट द स्क्रीन, इट इज़ अ डिवाइस दैट डिस्प्ले द टेक्स्ट एंड ग्राफिक जनरेटेड बाय द कंप्यूटर। अच्छा, वेयर एज, जबकि अगर आप बात करते हैं डिस्प्ले स्क्रीन की, तो इसका मीन इसका मतलब होता है कि एक स्क्रीन, विच मीन्स एक बॉक्स में एक स्क्रीन फिट कर दी है एंड देन अब वहाँ क्या फंक्शनैलिटी हो रही है, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे आगे। अब देखिएगा ज़रा, इसका मतलब होता है कि आपके पास इट इज़ अ डिवाइस दैट डिस्प्लेज द टेक्स्ट, ये आपके टेक्स्ट को डिस्प्ले कर रहा होता है, या जो भी आपने ग्राफिक्स आपने काम किया होता है, ठीक है, ये उसको डिस्प्ले कर रहा होता है बाय द कंप्यूटर, कंप्यूटर के जरिए। द बेसिक टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स आर, हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स के मॉनिटर्स होते हैं। वो मॉनिटर्स कौन कौन से होते हैं ज़रा देख लीजिएगा। सबसे पहले याद रखें, मॉनिटर हेल्प आउट करता है आपको फॉर द डिस्प्ले, आपने जो काम किए होते हैं उसका डिस्प्ले आपको अगर चाहिए होता है, मॉनिटर आपको उसका डिस्प्ले जो होता है प्रोवाइड करता है। विच मीन्स अगर मैं बोलूँ, अगर आपने सिस्टम में से मॉनिटर को आप या LCDs को अपने स्किप कर दें, हटा दें, तो बाकी आप क्या कर सकते हैं, जो आप काम कर रहे हैं वो आपको नज़र आ रहा हो सकता है, नहीं आता। ठीक, आप किसको प्रिंट करेंगे, विच मीन्स आप ये समझ लें कि आपके पास जो मॉनिटर्स होते हैं ये आपके हार्डवेयर का एक इंपॉर्टेंट और एसेंशियल कंपोनेंट है, विदाउट दिस यू कैन नॉट सी योर डिस्प्ले। ठीक, तो आपके पास दो टाइप्स के जो मॉनिटर्स होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें सबसे पहले जो है वो CRT मॉनिटर्स होते हैं, विच इज़ द सिमिलर टू टेलीविजन स्क्रीन, जो कि आपकी टेलीविजन स्क्रीन के मतलब से मिलते जुलते होते हैं। ठीक, जैसे आप TV स्क्रीन्स के ऊपर आपने डिफरेंट प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं, ठीक है, विच मीन्स आप देखें आज जदीद दौर है, विच मीन्स आपके पास LEDs हैं, तो वो आपके बाय थ्रो वाईफाई सिग्नल आपके पास कनेक्ट हो जाती हैं, देन उस पर भी आप अपने फेवरेट प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं। ठीक, तो वो भी क्या हो गए हैं आजकल, आप देखें आप TV जो आपके पास टेलीविजन स्क्रीन्स का दौर जा चुका है, नाउ आपके पास क्या होता है LCDs आ रही हैं। ठीक, LEDs आपके पास जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई हैं, जिसके थ्रू आप क्या कर रहे होते हैं, जो चैनल्स हैं आप उनका डिस्प्ले जो है वो अपने जो आपके पास स्क्रीन है आपके LCDs उसके ऊपर आप देख रहे होते हैं। ठीक, विच इज़ सिमिलर टू, अच्छा देखें, कहते हैं कि आपके पास ये बहुत सिमिलर होता है टेलीविजन स्क्रीन से एंड ऑल्सो वर्क्स, और ये काम करता है इन द सेम वे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपका एक TV स्क्रीन काम करती है। इट यूजेस अ लार्ज वैक्यूम ट्यूब कॉल्ड कैथोड रे ट्यूब, इसके अंदर आपके पास जो है वो एक ट्यूब लगाई जाती है जो कि कैथोड रे ट्यूब होती है। ठीक, तो कैथोड रे ट्यूब जो है, अभी स्टूडेंट्स आपके लिए ये जो लफ्ज़ आप सुन रहे हैं कैथोड रे ट्यूब, तो आपके एरा की नहीं है ये चीज़। ठीक, विच मीन्स ये बहुत पहले जब इनिशियली इन्वेंशन हुआ, मॉनिटर बनाया गया होगा, तो कैथोड रे ट्यूब की मदद से बनाया गया। और ये ट्यूब क्या करती थी, ये ट्यूब जब आपके पास पूरी ग्लो होती थी तो ये डिस्प्ले जो है वो आपके पास क्या स्क्रीन पर डिस्प्ले देती थी। ठीक, अच्छा, ये एनर्जी कंजप्शन भी बहुत थी, विच मीन्स आपके पास एनर्जी कंज्यूम बहुत ज़्यादा करती थी, जिसकी वजह से मार्केट में जो है वो अब टेक्नोलॉजी ने रिवाइव किया एंड देन उसके बाद क्या हुआ आपके पास, अब LCD LEDs जो है वो आपके पास अवेलेबल हैं।
अच्छा सेकंड जो आपके पास टाइप है वो होते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले, विच मीन्स लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और एलसीडी। अगर आप एलसीडी के फुल फॉर्म आपको मालूम नहीं है तो स्टूडेंट आप मालूम करते हुए चलें, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, ये एलसीडी के फुल फॉर्म है, विच इज़ यूजुअली यूज जो कि इस्तेमाल होती है विद अ पोर्टेबल कंप्यूटर, बट नाउ हैव बिकम वेरी पॉपुलर विद द डेस्कटॉप कंप्यूटर टू। आज आप देख लें, आपके ज़रूरी नहीं है कि आपके पास के अगर आपके पास आपको एच डी व्यूज़ देखने हैं, एल सी डीज या फिर एल ई डीज हैं, वो सिर्फ आपके पास लैपटॉप, आपके नोटबुक्स, आपके क्रोम बुक्स में अप्लाई हों, नहीं ऐसी बात नहीं है। अब आप देखें आपके पास फिगर में, सेकेंड जो फिगर आपको यहाँ पर नज़र आ रही है इसमें देखें फ्लैट पैनल डिस्प्ले, विच मीन्स ये आपके पास एक एल सी डी है, अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ आपने भी इसको क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, और ये आपको बेहतरीन आपको एच डी जो है विच मीन्स हाई डेफिनेशन क्वालिटी जो व्यू है वो आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखते हैं ज़रा अब मॉनिटर्स के, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको हम देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अब आइए आगे मूव करते हैं, पेज नंबर 47 जो फर्स्ट हेडिंग है आपके पास वो है मोनोक्रोम मॉनिटर्स जो होते हैं वो एक्चुअली डिस्प्ले होते हैं टू कलर्स में, वन फॉर द बैकग्राउंड, एक कलर जो होता है वो बैकग्राउंड के लिए होता है, एंड वन फॉर द फोरग्राउंड, और सेकेंड कलर जो होता है वो उनका फोरग्राउंड के लिए होता है। द कलर्स, ये जो कलर होते हैं कैन बी ब्लैक एंड वाइट, ये ब्लैक एंड वाइट है, विच मीन्स एक ऐसा दौर भी था जिसमें आपको जो चीज़ें थी वो ब्लैक एंड वाइट नज़र, जो आप उनको ब्लैक एंड वाइट देख सकते थे, बिकॉज वहाँ पे जो कलरिंग थी विच मीन्स आपके पास वो अभी तक इन्वेंट नहीं हुई थी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ आपका ब्लैक एंड वाइट या फिर ग्रीन एंड ब्लैक और या फिर एम्बर एंड ब्लैक, ये कम्बिनेशन ऑफ कलर थे, तो ये मोनोक्रोम्स है, यहाँ पे दो कलर्स का कम्बिनेशन है जो कि एक बैकग्राउंड के लिए और एक फोरग्राउंड के लिए। अब देखिएगा आगे ग्रे स्केल, अब ग्रे स्केल मॉनिटर जो है वो स्पेशल टाइप के मोनोक्रोम मॉनिटर थे जो कि कैपेबल थे ऑफ डिस्प्लेइंग डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे, मतलब ग्रे कलर के डिफरेंट शेड्स में जो है आपको डिस्प्ले दिखाया जाता था। सेकंड देखें कलर मॉनिटर्स कैन डिस्प्ले एनी वेयर फ्रॉम 16 टू ओवर 1 मिलियन डिफरेंट कलर्स, कलर मॉनिटर आपको डिस्प्ले कर सकते हैं एनी वेयर फ्रॉम 16 टू 1 मिलियन डिफरेंट कलर्स, आप रेंज देखें 16 टू ओवर 1 बिलियन डिफरेंट कलर्स आपको जो है वो आपको जो अलाउ करता है और उसमें अपना डिस्प्ले देख सकते हैं आप। कलर मॉनिटर्स आर समटाइम्स कॉल्ड आरजीबी, ठीक है, कलर मॉनिटर्स जो होते हैं वो समटाइम आप उन्हें आरजीबी बोलते हैं, आरजीबी का फुल फॉर्म बताता हूँ आपको, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक। अब नेक्स्ट देखिएगा मॉनिटर, बिकॉज दे एक्सेप्ट थ्री सेपरेट सिग्नल्स, बिकॉज ये थ्री सिग्नल्स जो हैं वो आपके पास उनको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, वो सिग्नल्स कौन से होते हैं, रेड ग्रीन और आपके पास ब्लू, ठीक, तो ये थ्री फंडामेंटल कलर्स भी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए हम डिफरेंट कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट यहाँ पे आप देखें ज़रा, आफ्टर द क्लासिफिकेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द मोनिटर इज इट स्क्रीन साइज, इसका स्क्रीन साइज बहुत मैटर करता है, लाइक टेलीविजन स्क्रीन साइज आर मेजर्ड इन डायगनल इंचेस, द डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉर्नर ऑफ द ऑपोजिट कॉर्नर डायगनली, अ टाइपिकल साइज ऑफ अ स्मॉल मोनिटर इज 14 inches, सबसे छोटे इंच का जो 14 inch विच मीन्स 14 inches का जो मॉनिटर था, मॉनिटर दैट आर द 16 or more inches डायगनली, फिर साइज में वेरिएशन आई अब 16 inches हो गए, ठीक है, आर ऑफन कॉल्ड फुल पेज मॉनिटर, 16 जो आपके पास इंचेस का मॉनिटर है अमूमी तौर पर हम उसे फुल पेज मॉनिटर भी कहते हैं। इन एडिशन टू दियर साइजेस, अब ये इनके साइज इंक्रीज हो रहे हैं, मॉनिटर्स कैन बी आइदर पोर्ट्रेट, अब मॉनिटर आपके पास जो है पोर्ट्रेट साइज में आ रहे हैं विच मीन्स हाइट ग्रेटर है देन विथ से, और लैंडस्केप आ रहे हैं विच मीन्स जिसकी चौड़ाई ग्रेटर होगी देन हाइट से। द स्क्रीन साइज इज समटाइम मिसलीडिंग बिकॉज देयर इज ऑलवेज एन एरिया अराउंड द एजेस ऑफ द स्क्रीन दैट कांट बी यूज्ड, देयरफॉर मॉनिटर मैन्युफैक्चरर मस्ट नाउ ऑल्सो स्टेट द व्यूएबल एरिया दैट इज द एरिया ऑफ द स्क्रीन दैट इज एक्चुअली यूज्ड, विच मीन्स कहते हैं कभी ऐसा होता था कि बीच में इसके उसका फ्रेम जो था काफ़ी हैवी कर, इसका मतलब है काफ़ी फ्रेम जो है उसको वाइड कर देते थे ये लोग, ठीक, और स्क्रीन छोटी होती थी, ठीक, लेकिन अब ऐसा नहीं है, जब मॉनिटर्स जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इसको बना रहे हैं मॉनिटर्स या एलसीडी एलईडी स्क्रीन्स, तो अब आप देखें जो फ्रेम्स होते हैं वो बहुत मतलब स्लाइड बहुत पतले से होते हैं जबकि स्क्रीन वाइड रखी जाती है ताकि जो डिस्प्ले हो रहा है वो आपके पास क्या हो सके, बहुत ज़्यादा आपके पास जो है वो ब्रॉड आप देख सकें उसको, ठीक है, एचडी डेफिनेशंस भी हैं, सही, एच डी आपके पास मॉनिटर्स भी अवेलेबल है। नाउ द कॉमन वे टू क्लासिफाइंग द मॉनिटर इज इन टर्म्स ऑफ द टाइप ऑफ सिग्नल दे एक्सेप्ट, एनालॉग और डिजिटल, टू टाइप के सिग्नल जो है ये एक्सेप्ट करते हैं, एनालॉग और डिजिटल, नियरली ऑल मॉडर्न मॉनिटर एक्सेप्ट द एनालॉग सिग्नल्स, वैसे आजकल जो मॉडर्न मॉनिटर्स हैं वो आपके पास एक्सेप्ट कर रहे होते हैं एनालॉग सिग्नल्स को। अदर फैक्टर्स हैं दैट डिटरमाइन
मॉनिटर क्वालिटी इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। अब मॉनिटर की क्वालिटी को आप कैसे जज कर सकते हो, तो देखें आपके पास चंद पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो आपको मैं बता रहा हूँ। रेजोल्यूशन, द रेजोल्यूशन ऑफ अ मॉनिटर इंडिकेट हाउ डेंसली पैक्ड द पिक्सल्स आर, विच मीन्स पिक्सल्स कितने आपके पास जो है वो क्लियर है। रेजोल्यूशन विच मीन्स होता है कि आप जो व्यू देख रहे हैं वो ब्लर तो नहीं है। अगर आपके पास व्यू ब्लरी है तो दैट्स मीन उसकी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है, ठीक। और जब आपके पास व्यू ही आपके पास जो है वो क्लियर नहीं है, रेजोल्यूशन ही आपके पास क्लियर नहीं है, आपको ऑब्जेक्ट से सही नज़र नहीं आ रहे, ब्लर नज़र आ रहे हैं, तो दैट मीन क्या होगा कि वो आपके पास एक हाई क्वालिटी नहीं है, ठीक। आपके पास HD नहीं है। इन जनरल आपके पास हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड है शार्पर इमेज। जितने भी आपके पास हाई रेजोल्यूशन जो आपके पास LCDs, LEDs या मॉनिटर्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं शार्पर, बहुत शार्प और बहुत क्लियर इमेज जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक। अब देखिए बैंडविड्थ, बैंडविड्थ द रेंज ऑफ सिग्नल फ्रीक्वेंसीज, दिस इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास जो है ये पॉइंट है। बैंडविड्थ द रेंज ऑफ सिग्नल फ्रीक्वेंसीज दैट मॉनिटर कैन हैंडल, दिस डिटरमाइंस हाउ मच डेटा इट कैन प्रोसेस एंड देयरफॉर हाउ फास्ट इट कैन रिफ्रेश एट हाई रेजोल्यूशन, ठीक। तो रेंज होते हैं सिग्नल फ्रीक्वेंसीज की, आपका मॉनिटर मतलब जो कैच करेगा सिग्नल फ्रीक्वेंसीज वो कितनी हैंडल कर सकता है, और ये आपको बताता है कि डेटा जो होता है इट कैन प्रोसेस, जो आप डेटा को प्रोसेस कर रहे हो तो कितना डेटा प्रोसेस करोगे एंड देयरफॉर हाउ फास्ट और कितना फास्ट होगा आपका डेटा। इट कैन रिफ्रेश द हाई रेजोल्यूशन, ठीक है, ये आप रिफ्रेश कर सकते हो हाई रेजोल्यूशन के अंदर, ठीक है, फास्टर होगा। रिफ्रेश करें जैसे आप मॉनिटर में रिफ्रेश कर रहे होते हैं, तो विच मीन्स आपके पास कंप्यूटर क्या होता है, विच मीन्स वो एक्टिव हो रहा होता है, ठीक। रिफ्रेश रेट है, अब रिफ्रेश रेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हाउ मेनी टाइम्स पर सेकेंड द स्क्रीन इज रिफ्रेश, कितने टाइम्स में जो है आपके पास, कितने टाइम में आपके पास जो है वो आप रिफ्रेश कर रहे हो उसको। टू अवॉइड द फ्लिकरिंग द रिफ्रेश रेट शुड बी एट लीस्ट 72 हर्ट्स, विच मीन्स कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि फ्लिकरिंग ना हो या कोई भी हर्डल जनरेट ना हो स्क्रीन के ऊपर, तो जो आपका रिफ्रेश रेट है वो एटलीस्ट 72 हर्ट्स होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो इससे क्या होता है, एक आपके पास एक अच्छी स्क्रीन होती है, विच मीन्स कभी हैंग नहीं होगा आपका मॉनिटर तो जब भी हम रिफ्रेश कर रहे होते हैं। डॉट पिच, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट लास्ट टाइम जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो अबाउट द कुछ प्रॉपर्टीज थी मॉनिटर्स की, जिसमें हमने रेजोल्यूशन, बैंडविड्थ जो है वो हम पढ़ चुके थे, रिफ्रेश रेट भी हम जो है वो इसको रीड कर चुके थे, समझ चुके थे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है डॉट पिच, द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द ईच पिक्सल, ये वो अमाउंट ऑफ स्पेस होता है जो कि हर पिक्सल के दरमियान होता है। द स्मॉलर द डॉट पिच, जितना ज़्यादा ये स्पेस कम होगा द शार्पर द इमेज, इतनी ही इमेज आपको क्लियर नज़र आएगी, ठीक। अब आपके पास है लास्ट हेडिंग है इसकी कन्वर्जेंस, ठीक है, द क्लैरिटी एंड द शार्पनेस ऑफ ईच पिक्सल, ये डिपेंड करती है क्लैरिटी पे, कितनी जो भी चीज़ आप व्यू देख रहे हो कितना क्लियर है और कितना शार्प है। विच मीन्स याद रखें एक इमेज जो होती है ना वो स्टूडेंट्स आपके पास एक वो पिक्सल्स पे डिपेंड कर रही होती है। अब कभी आप देखें आपने सेलफोन के अंदर आपने कोई इमेज ओपन करी, आप उसे जूम, विच मीन्स आप उसे जूम करते रहें, ठीक है, तो आप देखें वो ब्लर होती रहेगी, सही। लेकिन अगर वो आपके पास हाई डेफिनेशन क्वालिटी की इमेज होगी या फिर आपके पास हाई रेजोल्यूशन इमेज होगी आपके पास, तो फिर आप ये नोट कीजिएगा आप उसे जितना भी ब्लर करें, विच मीन्स आप वो आपके पास जितनी ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करेंगे वो ब्लर कम से कम होगी, ठीक है। ब्लर लास्ट में जाके जब उसकी हद इख्तिताम पूरी हो जाएगी देन वहाँ पर वो आपको ब्लर थोड़ा सा नज़र आएगा। अदरवाइज़ यही क्वालिटी होती है कि अगर आपके पास जो हाई डेफिनेशन इमेजेस होती हैं आप उन्हें क्या कर सकते हो, जितना भी आप उन्हें जूम कर रहे होते हैं वो ब्लर जो है वो नहीं होती। वजह क्या होती है, वजह यही होती है वो इमेजेस शार्प होती हैं, ठीक, क्लियर होती हैं इमेजेस, उनके अंदर जो है जो आपके यहाँ पिक्सल्स के एडगेट जो एरिया होता है वो स्मॉल होता है, विच मीन्स जो अमाउंट होता है एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल का वो क्या होता है आपके पास वो स्मॉलर होता है, इसी वजह से वो इमेज जो होती है आपके पास वो शार्पर होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 48। तो देखिए स्टूडेंट्स अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्रिंटर्स, अब हम कुछ प्रिंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंटर इज़ अ डिवाइस, प्रिंटर आपके पास एक ऐसी डिवाइस है दैट एक्सेप्ट टेक्स्ट एंड ग्राफिक आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर, जो कि टेक्स्ट को भी और आपके पास ग्राफिक आउटपुट्स को, विच मीन्स अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट लिया है तो आप उसको प्रिंट कर सकते हैं जिसमें सिर्फ टेक्स्ट है, ठीक। अब अगर आपने जो है वो ग्राफिक लेना है मतलब कोई आपने इमेज है आपने उसको प्रिंट कराना है तो देखें आप उसको इजीली प्रिंट करवा सकते हैं प्रिंटर्स के थ्रू। अब कलर प्रिंटर्स भी आजकल के दौर में जो है वो अवेलेबल होते हैं, ठीक।
अब देखिएगा ज़रा, आपके पास दोनों चीज़ एक साथ, और अगर ऐसा है कि आपने डॉक्यूमेंट में जो है वो कोई इमेज भी लगाई है तो वो उसको भी प्रिंट करेगा। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ वो टेक्स्ट को अलग करेगा, ग्राफिकल अलग करेगा, ये सीन नहीं है। अगर आपने टेक्स्ट के साथ ग्राफिकल कोई चीज़ है, कोई इमेज भी आपने लगाई हुई है, तो वो उसको भी क्या कर रहा होगा, वो उसको भी आपको प्रिंट करके दे देगा। ठीक, अब ज़रा देखिएगा, एंड ट्रांसफर द इन्फॉर्मेशन टू अ पेपर। दरअसल प्रिंटर्स करते क्या हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन हमने कंप्यूटर के अंदर सेव की होती है उसको प्रिंट जब करते हैं तो वो आपको इन्फॉर्मेशन पेपर पे ला के देते हैं। यूजुअली टू अंडरस्टैंड द साइज शीट्स ऑफ पेपर, प्रिंटर्स आर समटाइम सोल्ड विद कंप्यूटर्स बट मोर फ्रिक्वेंटली आर परचेज सेपरेटली। प्रिंटर्स वेरी इन अ साइजेस, स्पीड एंड सोफिस्टिकेशन एंड कॉस्ट। ठीक, अब ज़रा देखें यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं कि आपके पास जो है वो आपको पेपर पे तो इन्फॉर्मेशन जो आपको आ जाती है, विच मीन्स आपको जो आउटपुट है वो आपका ऑन हार्ड कॉपी आपको प्रोवाइड हो जाता है। अब कहते हैं साइज शीट्स होती हैं, विच मीन्स आपने सुना होगा स्टूडेंट्स A3, A4, ठीक है, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, विच मीन्स वैसे कॉमनली जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं वो A4 साइज़ को हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, देखें, क्योंकि स्टैंडर्ड साइज है A4। ठीक, A4 जो है वो आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड साइज़ है। देन उसके बाद लेटर्स होता है, अगर आप टॉप डाउन मेन्यू में देखेंगे A3 होता है, टॉप डाउन में आपके पास जो है लेटर में होता है। ठीक, तो इस तरीके से डिफरेंट आपके पास पेज साइज़ होते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे, जिससे आपने काम करना है, आप वहाँ पे उस पेज के ऊपर अपना आउटपुट आप ले सकते हैं। ठीक, अच्छा, जो पहले क्या होता था, कंप्यूटर्स के साथ प्रिंटर्स भी होता है फॉर ऑफिस यूज़, तो बेसिकली बहुत ज़्यादा नीडी होता है, विच मीन जो आप काम कर रहे होते हैं आपको प्रिंट चाहिए होता है चीज़ों का। अगर आप चाहें तो इसको सेपरेट भी आप इसको परचेज कर सकते हैं, बिकॉज प्रिंटर्स जो होते हैं वो आपके पास साइजेस में काफ़ी डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट साइज के जो हैं, डिफरेंट स्पीड्स के जो आपके पास वो प्रिंटर्स आपको मार्केट में अवेलेबल होंगे। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, आपके पास काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के प्रिंटर्स होते हैं। इन टर्म्स ऑफ टेक्निक्स यूटिलाइज, प्रिंटर फॉल इन टू द टू बेसिक कैटेगरीज, हम प्रिंटर्स को दो बेसिक कैटेगरीज में जो है उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब वो दो बेसिक कैटेगरीज जो है मैं आपको सिर्फ उनका हिंट दे रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको पढ़ेंगे। वो वन पार्ट जो है वो होता है इम्पैक्ट कंप्यूटर, विच मींस वन कैटेगरी जो वो इम्पैक्ट है, और सेकंड कैटेगरी जो है वो नन इम्पैक्ट कंप्यूटर, नन इम्पैक्ट प्रिंटर्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं, इनकी कितनी टाइप्स होती हैं, और नन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं और इनकी कितनी टाइप्स होती हैं। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।